आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल 3 इजी एंड डिलीशियस प्रसाद की रेसिपी। आप इस गणेश चतुर्थी इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करें एंड गणेश जी को इम्प्रेस करें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई एम रेशमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशमास किचन। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले पैन में घी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कप घी लिया है, बट अभी हम ओनली 65% ही घी ऐड करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए उसमें 2 कप बेसन ऐड करेंगे। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी कप या फिर बॉल ले सकते हो। अब घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर बेसन को अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए रोस्ट करना है। गाइस, मेक श्योर फ्लेम हाई या मीडियम बिल्कुल ना करें, अदरवाइज बेसन जल्दी ब्राउन हो जाएगा और जब आप इसे खाओगे तो बेसन का कच्चा टेस्ट आएगा। स्पेचुला से प्रेस करते हुए बेसन को रोस्ट करना है। यहाँ बेसन थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर रही हूँ। घी को बाद में ऐड करने से लड्डू में घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, जिससे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट शेप के बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि बेसन सॉफ्ट हो गया है। अब हम बेसन को दानेदार बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाने के लिए स्टेज पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ मैंने पानी में थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर लिया है। अब स्टेज पर बेसन पर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है और इसकी खुशबू भी पूरे किचन में फैल गई है। अब स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ बेसन हल्का ठंडा हो गया है। हमें बेसन को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अदरवाइज लड्डू बाइंड नहीं होंगे। यहाँ मैंने 1 कप तगार लिया है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इसके प्लेस पर शुगर को ग्राइंड करके भी ले सकते हो। अब इसे बेसन में ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ कुछ रोस्टेड काजू ऐड कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, इसमें लड्डू का फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। अब सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ही यम्मी लड्डू बनकर रेडी होते हैं। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसके लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। अब मिक्स को हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए लड्डू का शेप देंगे। इफ आपको मिक्स ज़्यादा ड्राई लगे देन आप इसमें थोड़ा घी और ऐड कर दें। एक लड्डू बनकर रेडी है, अब इसे एक प्लेट पर रख देंगे। सिमिलरली सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर रेडी है। 2 कप बेसन में टोटल 25 लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। तो गाइस, आप इस गणेश चतुर्थी इस लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। इंस्टेंट मिल्क पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में अराउंड 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप घी के प्लेस पर ऑयल भी ले सकते हो। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए उसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। 1/2 कप मैंने अभी ऐड किया, 1/2 कप में और ऐड करी हूँ, टोटल 1 कप। मिल्क और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हो। मिल्क पाउडर को 3-4 पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे स्टर करते जाएंगे। गाइस, मेक श्योर सारा मिल्क पाउडर एक साथ ना डाले, अदरवाइज इसमें लम्स क्रिएट हो जाएगा। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक करेंगे। स्पेचुला से प्रेस करते हुए लम्स को तोड़ेंगे। गाइस, मेक श्योर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। अभी बस 2 मिनट्स ही हुए हैं और मिक्स थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये स्वीट बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स, और इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि मिक्स डो फॉर्म में आ गया है और पैन से अलग हो रहा है। अब स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मिक्स कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, अब इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, इससे पेड़ा का फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा। अब सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है फ्रेंड्स, और टेस्ट में तो पूछिए मत।
यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हाथों को घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और पेड़े बनाकर रेडी करेंगे। पेड़ा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हो। एक पेड़ा बनकर रेडी है, अब इसे एक प्लेट पर रख देंगे। सिमिलरली सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। ये पेड़ा बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसके बिगड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो। तो गाइस रेडी है हमारे सुपर डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग इंस्टेंट मिल्क पेड़ा की रेसिपी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। इंस्टेंट सूजी पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप घी के प्लेस पर ऑयल भी ले सकते हो। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए उसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने सूजी को हल्का सा ग्राइंड कर लिया है जिससे स्वीट का टेक्सचर बिल्कुल मावा जैसा आएगा। अब इसे लो फ्लेम पर अबाउट 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने सूजी को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है। सूजी रोस्ट हो गया है, अब इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन गाइस इफ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब स्टेज पर इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। इससे स्वीट का टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। ये मैंने जस्ट फ्लेवर के लिए ऐड किया है। अब इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। यह सिंपल बॉइल्ड एंड रूम टेम्परेचर का मिल्क है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मिक्स 1 मिनट में ही डो फॉर्म में आ गया है और पैन से अलग भी हो रहा है। अब मैं इसमें प्यारे से कलर के लिए 1 पिन से भी कम फूड कलर ऐड कर रही हूँ। यह स्टेप टोटली ऑप्शनल है। इफ़ आप कलर लाइक नहीं करते हो देन आप इसमें पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर ऐड कर सकते हो। एंड डोंट वरी, इसमें टर्मेरिक का स्मेल बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स रेडी है, और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मिक्स हल्का ठंडा हो गया है, अब इसके पेड़े बना लेते हैं। छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे पेड़े का शेप देंगे। टेस्ट में गाइस ये स्वीट जितना ईजी है बनाने में, टेस्ट में उतना ही डिलीशियस है। यहाँ मैंने एक पेड़ा बना लिया है, अब इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कोटिंग कर लेंगे। इससे इसका लुकिंग और भी इनहेंस हो जाएगा। यहाँ मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हो। एक पेड़ा बनकर रेडी है, अब इसे एक प्लेट पर रख देंगे। सिमिलरली सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। यह बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी है फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो गाइस आप ही गणेश चतुर्थी ये 3 रेसिपीज़ को जरूर ट्राई करें एंड अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।